कई लोग सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, हमारा प्रोडक्ट तो हम ही खुद शूट कर लेते हैं, या चलो तो हर आदमी के मोबाइल में जो है वो कैमरा आ गया, तो हर इंसान सोचता है कि मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। तो आजकल क्या है कि बच्चे हैं, कैमरा उठाते हो चल लेते हैं। हाँ, वो तो मतलब आदिवासी है। हाँ, वो मतलब काफी चला था उसमें जो उन्होंने, हालांकि वो एक तरह की पेड मार्केटिंग ही होती है एक तरीके से देखा जाए। इन्फ्लुएंसर को पैसा तो देना पड़ता है आज की डेट में, तो मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं जो फ्री में आपका वीडियो डाल देता है। और उनको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये बताना पड़ रहा था कि बॉस ये हमारा ओरिजिनल ये है और ये डुप्लीकेट है। तो वो आज वेडिंग करने वाला जो आदमी है वो कमर्शियल हेड बना रहा है उन कंटेंट का यूज करके, डुप्लीकेट तेल बेच बेच के जो है करोड़ों रुपए कमा लिए। वो महिलाओं की कमजोरी है जिसको इनफैक्ट फिल्म स्टार तक भी उन लोगों के पास में गए और उन्होंने वहां पर उनका प्रचार किया है। हर कोई जो है वीडियो की दुनिया में आजकल जो है वो चाहता है कि उसकी रीच हो, उसके फॉलोअर्स हो, और जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो उतना ही बड़ा बिजनेस जो है वो करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन गौड़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी सीखो। दोस्तों, आज हमारे साथ में हमारे मेहमान हैं मिस्टर विकास मंडलोई, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वायरल वीडियो मार्केटिंग, कि एक वायरल वीडियो जो है आपके बिजनेस को किस तरीके से इन्हांस कर सकता है, किस लेवल तक बढ़ा सकता है। तो इसी टॉपिक पर जो है आज हम विकास जी के साथ में चर्चा करने वाले हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक वीडियो की क्या इम्पोर्टेंस होती है और क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कमर्शियल एड के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करती है और इस तरीके के एड्स बनाती है। तो वो अगर आप अपना बिजनेस इन्हेंस करना चाहते हैं तो किस तरीके से उस वीडियो को यूज़ करके या वीडियो मार्केटिंग को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं, इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है, विकास जी का मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, या विकास जी आप अपना इंट्रो खुद दे दीजिए तो ऐसा बेटर रहेगा। बिकॉज मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ कि विकास जी जो है वो बिहार फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन जो है उसके ओनर हैं और पिछले करीब 10-12 साल से फिल्म प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज के लिए इन्होंने कमर्शियल एड वगैरह बनाए हुए हैं और मतलब कुछ वीडियो सॉन्ग्स और वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारा काम ये करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी चर्चा करते हैं। विकास जी, आप जो है थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या आपकी बिहार फिल्म प्रोडक्शन है और क्या क्या उसके अंदर आपका। हम लोग बेसिकली फैन प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं। जी जी, इंदौर बेस्ड कंपनी है और लगभग 13 से 14 साल हो गए हमें इस फील्ड में काम करते हुए। जी, और कमर्शियल एड, म्यूजिक फिल्म्स, इस तरह के वर्क हम लोग मतलब ये कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। बाकी बड़े वर्क तो फिर थोड़ा सा समय समय पे होते हैं। ओके ओके, तो विकास जी आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक वीडियो जो है वो बिजनेस में प्रोडक्ट सेलिंग को किस लेवल पर बढ़ा सकता है, किस तरीके से एक वायरल वीडियो जो है किसी इंसान की सेल को बढ़ा सकता है, उसके बारे में आप क्या मतलब विचार रखते हैं। देखिए क्या है कि आजकल जो दुनिया है वो पूरी डिजिटल हो चुकी है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। तो डिजिटल दुनिया में अगर हमें हर आदमी तक पहुँचना है तो हमें भी डिजिटल तरीका ही अपनाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही। डिजिटल तरीका मतलब अगर हम अपने प्रोडक्ट का छोटा सा फिल्म बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लगभग हम लोग हर आदमी तक पहुंचने में सक्षम रहेंगे उसके माध्यम से। जी जी जी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही। बिल्कुल बिल्कुल, आज की डेट में तो मतलब इंस्टाग्राम हो गया, रील्स का जमाना आ गया है, तो मतलब ये है कि लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। बट ये है कि आपका कंटेंट वैसा होना चाहिए, कि कंटेंट वैसा होना चाहिए, बनाने का तरीका वैसा होना चाहिए, आप प्रोफेशनल तरीके से बना रहे, नॉन प्रोफेशनल बना रहे, ये एक मतलब ये चीज एक बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, हमारा प्रोडक्ट तो हम ही खुद शूट कर लेते हैं, या चलो तो हर आदमी के मोबाइल में जो है वो कैमरा आ गया, तो हर इंसान सोचता है कि मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ। तो क्या एक बेसिक डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल व्यक्ति जब काम करता है उसमें और एक व्यक्ति कुछ अपने से ही कर। प्रोफेशनल आदमी अपने सारी चीज़ों को, अपने टैलेंट को, अपना सीखा हुआ जो उसका एक्सपीरियंस है टोटल, मतलब सब चीज़ों को एक इंक्लूड करके उनको यूज करके प्रोडक्ट को तैयार करता है। हाँ, मतलब उसको फोकस पर्टिकुलर उसी चीज़ पर रहता है वो थोड़ा सा। नॉन प्रोफेशनल आदमी तो आजकल क्या है कि बच्चे हैं, कैमरा उठाते हो चल लेते हैं। हाँ, वो तो मतलब काफी कुछ चल रहा है आज की डेट में। तो ये है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अब व्हाट, बट ऑब्वियस है वो तो मतलब ये देखिए कि अगर कोई प्रोफेशनल काम करवाता है तो मतलब वो
बट वो बस कॉस्टली होगा ही, उसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से फीचर किया जाता है, आर्टिस्ट को प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग होती है, प्रॉपर तरीके से जो है उसका पूरी स्टोरी टेलिंग होती है, पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग पूरा प्रोफेशनल होता है। राइटिंग वर्क अगर अपना प्रोफेशनल है तो आगे का काम भी पूरा, क्योंकि राइटिंग वर्क प्री प्रोडक्शन में आता है। वहाँ पे अगर हम लोग अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखाते हैं, है ना, प्रॉपर लिखते हैं चीज को, तो ही हम आगे चीजें प्रॉपर निकाल पाते हैं। और थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होता है प्रोफेशनल लोगों को कि किस तरह का कंटेंट जो है वो हिट हो सकता है, किस तरह का कंटेंट मार्केट में चल सकता है। तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना जो है, अगर आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है और आप उस बिजनेस को अभी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत ही मतलब आपके लिए सही होगी कि आप वीडियो जिनका बनाने का काम है उनको वीडियो बनाने का काम दिया जाए, तो वो प्रोफेशनली जो है वो किस तरीके से कंटेंट को बनाना है वो सारी चीजें करेंगे, और आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, तो वो इम्पोर्टेंट जो रहता है, बिकॉज काफी सारी स्ट्रेटजीज होती है जिन स्ट्रेटजीज को प्रोफेशनल्स यूज करते हैं और उसको यूज करके इस तरह का जो है कंटेंट बनाते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट सही टारगेट ऑडियंस के बीच में प्रॉपर पिच कर सके, या आप जो अपने कस्टमर को, टारगेट कस्टमर को कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वो कह पाए आपके प्रोडक्ट की, मतलब जो क्वालिटीज है, जो मेन मेन क्वालिटीज है वो उन तक पहुंच पाए प्रॉपर तरीके से। आजकल वैसे क्या है कि मतलब एड फिल्म्स तो काफी सारी बनती है, पर हम लोग अपना बिजनेस जनरेट करने के लिए जो फिल्म बनाना चाहते हैं वो उसका यूज मतलब बिजनेस जनरेट में नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि आज वेडिंग करने वाला जो आदमी है वो कमर्शियल एड बना रहा है। हाँ, वो है मतलब काफी दुनिया बदल रही है। हाँ, और क्योंकि कैमरा सभी लोगों वेडिंग का, वेडिंग एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। हाँ, वेडिंग की फिल्म देखना एक एंटरटेनमेंट के रूप में आता है, बाकी हम कमर्शियल एड जो है वो हमें बिजनेस जनरेट करके देते हैं, तो दोनों में काफी अंतर है, लोगों ने उसको मिक्स कर दिया है। हाँ, मतलब देखो क्या है कि कैमरा तो हर आदमी के हाथ में आ ही गया है, तो मतलब हर आदमी जो है वो क्रिएटिव हो गया अपने आप को प्रोफेशनल, बट एक प्रोफेशनल में और क्रिएटिव पर्सन में थोड़ा तो अंतर होता ही है। बिल्कुल। तो अभी जो है मैं आपसे एक चीज के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो कि मुझे, जिसने काफी, और इवन जो है हमारे दर्शक उनमें से भी काफी लोगों को उसके बारे में पता होगा, और वो है वो जो आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो अभी बीच में जो है मतलब इतना ज्यादा उन लोगों का कंटेंट और वीडियो वायरल हो रहा था, और मतलब जान के इस बात को हैरानी होती है कि वो आदिवासी जो ओरिजिनल तेल था वो बहुत बाद में मार्केट में उस लोगों तक पहुंच पाया, उसके पहले लोगों ने उन कंटेंट का यूज करके डुप्लीकेट तेल बेच बेच के जो है करोड़ों रुपए कमा लिए, और कई लोग जो है उसमें बेवकूफ भी बन गए। तो मतलब यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार एक वीडियो की पावर कितनी खतरनाक होती है, मतलब किस लेवल तक लेके जा सकती है। एक्चुअल में क्या है कि जो अपना हेयर ऑयल की अगर हम बात करें, आदिवासी हेयर ऑयल, हाँ वो मतलब तो काफी चला था बीच, उसमें जो उन्होंने दिखाया है, हाँ, कि जो बाल है वो, हाँ, मतलब जमीन का टच हो रहा है, तो महिलाओं को थोड़ा सा वो चीजें आकर्षित करती हैं। हाँ, मतलब जो एक कमजोरी होती है किसी इंसान की, महिलाओं की कमजोरी है जिसको मतलब बाल नहीं होते, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वही बन जाती है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सुंदरता की, हाँ मतलब वो रहता है उसमें बहुत ज्यादा एड ऑन करता है, तो हेयर जो है वो, इसलिए वो बहुत जल्दी वायरल हुआ। हाँ, वायरल होने के साथ साथ उसके जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वो काफी सारे मार्केट में आए, मतलब जब तक वो ओरिजिनल को मार्केट में लाए उसके पहले जो है लोगों ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच बेच के करोड़ों रुपए कमा लिए, और उनको हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे जाके ये बताना पड़ रहा था कि बॉस ये हमारा ओरिजिनल ये है और ये डुप्लीकेट है, तो वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग, मतलब बीच में मैंने जो एक देखा है, पर ये एक वीडियो की ताकत थी। हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी कि यार एक वीडियो जो है, कहाँ आदिवासी लोग जो है कर्नाटका में नहीं वो हेयर ऑयल बना रहे थे, और कहाँ से वो मतलब पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट जो है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर मैंने देखे, इनफैक्ट फिल्म स्टार तक भी उन लोगों के पास में गए और उन्होंने वहां पर उनका प्रचार किया है। तो ये एक वीडियो की ताकत होती है कि किस लेवल पर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। हालांकि ये है कि टेस्टिमोनियल देखने को मुझे नहीं मिले उसके अंदर कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस तेल को यूज किया हो और यूज करके उनके बाल बढ़ गए हो, जहां पर भी बड़े बाल लंबे दिखे वो उन्हीं लोगों के, रिजल्ट वाला पार्ट सामने। हाँ, तो मतलब कई कंट्रोवर्सीज भी हुई, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया कि
नहीं ये उस तरीके से काम नहीं करता, जस्ट एक पब्लिक सेंटीमेंट को जो है उन्होंने यूज किया और वो पिच लेवल पे हो गया। बट इससे एक चीज तो समझ में आती है कि आज का जो जमाना है, पहले के जमाने में क्या है कि लोग न्यूज़पेपर में ऐड दिया करते थे, वॉल पेंटिंग करवाते थे, कहीं पोस्टर चिपकाते थे, तो मार्केटिंग का जो तरीका है वो उस तरीके से पहले चलता था। बट आज की डेट में क्या है कि बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि थोड़ा भी ठीक ठाक है, तो हर घर में 3-4-5 मोबाइल इनफैक्ट अभी हो गए। तो अभी हर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो है वो वीडियो ही एक सबसे अच्छा तरीका। अच्छा, इसमें फर्क एक और है कि अगर हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, वॉल पेंटिंग कराते हैं, पंपलेट छपवाते हैं, इस तरह की अगर आई थिंक वो तो बंदी हो गया आजकल, तो हाँ नहीं कुछ लोग कर भी रहे हैं आजकल, तो वो एक हम सीमित लोकेशन में कर पाएंगे, लोकेशन पे ही उसका क्राइटेरिया होगा, बट वीडियो का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अपने घर में बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर सकते हो, वो बिल्कुल सच है। और आज की डेट में मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इस चीज का यूज करते हैं, और इनफैक्ट हर कोई जो है वीडियो की दुनिया में आजकल जो है वो चाहता है कि उसकी रीच हो, उसके फॉलोअर्स हो, और जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं वो उतना ही बड़ा बिजनेस जो है वो करता है, और उसमें उसकी कैपेसिटी रहती है। लोग इन्फ्लुएंसर को जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उन लोगों को काफी पैसे भी देते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनके वीडियोज में जो है वो लिंक करवाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स आपके जो है नेटवर्क में भी हैं, जिन इन्फ्लुएंसर के थ्रू यदि कोई मार्केटिंग करना चाहे तो आप इस तरह से मतलब पिच करते हैं किसी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं कुछ। अच्छा 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 अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग अगर करना चाहता है, हालांकि उसका रिजल्ट क्या है जिन लोगों ने किया है उनको ही उसका पता है, बल बाकी ये है कि यार जिसके हजारों लाखों फॉलोवर हैं अगर उसके थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट को पीछे आया था तो कुछ लोग तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, उससे प्रॉफिट ही मिलता है कि आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती पहली चीज। हालांकि वो एक तरह की पेड मार्केटिंग ही होती है एक तरीके से देखा जाए, इन्फ्लुएंसर को पैसे तो देना पड़ता है आज की डेट में, तो मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं जो फ्री में आपका वीडियो डाल देता है। बट हाँ एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि यदि आपका वीडियो इस तरीके से बन गया जो आपकी ऑडियंस को या पब्लिक को इमोशनली कनेक्ट कर गया, तो जो है बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है। अभी मैंने एक वो वीडियो शायद मैंने देखा था और अपन ने चर्चा भी की थी उसके बारे में, वो थ्री इडियट्स की थीम को लेके कोई एक उन्होंने वो किया था कि यार वो एक वो रेंचो जब वो उनको बुलाता है दोस्तों को, वो क्या नाम उसका यार, पानी की टंकी पे, हाँ वो पानी की टंकी पे, पानी की टंकी पे, तो वो मतलब वो मैं कनेक्ट करने वाली चीज, मतलब ये था कि वो उस प्रोडक्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो एड मेरे सामने आया तो मैं वो स्किप नहीं कर पाया उसको, मैंने कहा यार ये देखते हैं क्या इन्होंने बनाया है। बिल्कुल, तो ऐसा मतलब स्टोरी टेलिंग की पावर जो है बहुत ज्यादा होती है जहाँ पर पब्लिक यदि इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, और वो डेफिनेटली वो कोई प्रोफेशनली कर सकता है वो चीज, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस तरह के बहुत सारे एड्स हैं जो कि कुछ कुछ एड जो है पब्लिक को कनेक्ट कर जाते हैं, और वो मतलब कई जो है प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट्स ने इस चीज को एडमिट किया है कि अगर एक प्रॉपर सही तरीके का अगर वीडियो एड बन जाता है तो उनकी सेल को जे कर दे देता है, यानी कि बहुत बूस्ट हो जाती है सेल उस पर्टिकुलर एड से। तो डेफिनेटली इस वीडियो मार्केटिंग और एड की जो है पहले टीवी पे एड आया करते थे, और आज की डेट में तो हर व्यक्ति जो है इतना कैपेबल है, यूट्यूब जो है वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी व्यक्ति जो है अपना एड शूट कर सकता है प्रॉपर अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, मार्केटिंग में यूज कर सकता है, इवन यूट्यूब के ऊपर जो है पेड एडवर्टीजमेंट होती है, तो वो करके भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आज की डेट में वीडियो से अच्छा तो मेरे को कोई दूसरा माध्यम लग ही नहीं रहा। बिकॉज क्या है कि वीडियो में आपकी बात भी ऑडियंस तक पहुंच जाती है, आपके प्रोडक्ट को वो देख भी पाता है, उसकी क्वालिटीज जो है वो भी वहां तक पहुंच जाती है, बस स्टोरी टेलिंग जो है वो एक प्रोफेशनल किस तरीके से लिखता है और किस तरीके से उसको फिल्माता है वो सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें हैं, और थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए कि आप ये जो कमर्शियल वीडियो एड है, कमर्शियल वीडियो एड के अलावा जो है म्यूजिक आपने उसका भी जिक्र किया था, तो म्यूजिक वीडियो वगैरह हम लोग बनाते रहते हैं जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, लव सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, कुछ डिमांड होती है तो फिर हम लोग भजन वगैरह भी बनाते हैं। ओके ओके, अच्छा ये जो म्यूजिक वीडियो होते हैं इसमें मतलब जैसे कोई कंपनी अपने लिए जैसे उसकी प्रोडक्ट्स रिलेटेड कुछ जिंगल्स बनाना चाह रही है या कुछ थोड़ा सा म्यूजिक, तो उस तरह की जो है वो भी अपन प्रोवाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल, जिंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रोफेशनल बिल्कुल जिंगल। ओके ओके, डायरेक्ट बिकॉज माइंड पे एग्जैक्टली मैं वही आपसे कहने वाला था कि जो जिंगल होती है उसका रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा होता है,
और बहुत ज्यादा मतलब लंबे समय तक लोगों को याद रहता है, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और उस तरह के जो याद रह जाते हैं हमारा बजाज और कितने सारे तो वो उसकी भी बहुत ज्यादा मतलब ये है कि कमर्शियल एड यदि कोई इंसान बनाता है तो म्यूजिक वीडियो में, क्योंकि आप म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें मतलब उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पर जिंगल्स वगैरह बनाए जा सके। बिल्कुल, जिंगल के द्वारा जो मार्केटिंग होती है ना वो काफी अच्छी होती है, वो जल्दी हिट करती है, बिजनेस काफी अच्छा जनरेट होता है। ओके ओके, क्योंकि म्यूजिक सुनना मुझे लगता है कि हर आदमी को पसंद है। हाँ, म्यूजिक तो ऑब्वियसली जब म्यूजिक बजता है ना तो ऑटोमेटिक वो चीज माइंड में आ जाती है कि अरे हाँ, ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने का सबसे अच्छा जरिया, सबसे अच्छा तरीका है। सही बात है। तो इसके अलावा यदि कुछ लोग जो हैं यदि आपसे कांटेक्ट करना चाहें या उनको अगर कमर्शियल एड बनवाना है या इस तरह का म्यूजिक वीडियो यदि किसी को बनवाना है या कोई आर्टिस्ट है तो वो कैसे आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? हमें अपने वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं www.vihanfilmsproduction.com। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है 9। हालांकि जो है ये पूरी कांटेक्ट डिटेल हम अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे, डेफिनेटली आप लोगों को वहां से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको पूरी कॉन्टेक्ट की डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप विहान फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू जो है विकास जी से यदि कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इजीली जो है आप विहान फिल्म प्रोडक्शन से विकास जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके माइंड में अगर कुछ और ऐसी जानकारी या टिप अगर आ रही है जो किसी बिजनेस ओनर्स को फॉलो करनी चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन टर्म्स ऑफ वीडियो, कि वो क्या मतलब चीजें कर सकता है? देखिए, किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो पार्ट होता है ना वो होता है मार्केटिंग का। हाँ, वो डेफिनेटली है। अगर मार्केटिंग आपकी प्रॉपर है, सही है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट, वो तो है, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से तो मार्केटिंग मतलब प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि आप जैसे आपने मुझे म्यूजिक वीडियो का जिक्र किया था, आपने कमर्शियल एड्स का जिक्र किया, आपने जिंगल्स का जिक्र किया, तो इसके अलावा कुछ ऐसी और भी सर्विसेज हैं जो आप मतलब प्रोवाइड करते हैं? वैसे देखा जाए तो कैमरे से रिलेटेड हर काम फिल्म प्रोडक्शन में होता है। जी जी। इसके अलावा राइटिंग वर्क, प्रोफेशनल जो राइटिंग प्रोफेशनल राइटर्स हैं, ओके, जो होती हैं वो मॉडलिंग से रिलेटेड वर्क, आर्टिस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक। इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से भी हम बिजनेस के मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके ओके, ये भी एक अच्छी चीज, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब छोटी छोटी फिल्म जो होती है वो चल जाती है और वहाँ पर जो और ज्यादा मतलब उसमें इमोशंस होते हैं। ओके ओके, तो जल्दी पब्लिक को या हाँ वो मतलब उसके बीच में भी प्रोडक्ट आता है तो उसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ज्यादा प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोरी बनती है उसके माध्यम से। ओके, मतलब कोई चाहे तो अपने प्रोडक्ट या अपनी कंपनी से रिलेटेड शॉर्ट फिल्म भी बनवा सकता है। बिल्कुल, और शॉर्ट फिल्म बना के जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे उसको या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको वो कर सकता है, जिससे कि कई सारे एड ऐसे होते हैं ना जिसको अपन पूरा एड देखते हैं तो हमको पता ही नहीं होता। अच्छा, एक चीज और थी पहले और अभी की डिजिटल मार्केटिंग में, पहले अगर हमें डिजिटली जाना है तो हमारे पास में टीवी के अलावा कोई माध्यम बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर आज के समय में हमारे पास में इतने सारे प्लेटफॉर्म है ना, सिर्फ हमें एक वीडियो बना के अपलोड करना है। बिल्कुल सही बात है, और इस चीज का एग्जांपल है। हाँ, अगर हमारा कंटेंट सही है तो उसको तो फिर वायरल होने से इनफैक्ट मैं भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज जो हमारा टेक्नोलॉजी सीखो यूट्यूब चैनल है उसमें भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं पिछले कुछ टाइम में, और आप मानेंगे नहीं मुझे इतने फोन कॉल्स आते हैं मेरे कस्टमर्स के, और जो लोग देखते हैं वो वीडियो देख के इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सर्विसेज देते हैं, उनको क्या बेनिफिट होगा। और कई लोगों के सक्सेसफुल बिजनेस जो है हमने वीडियोस के माध्यम से, मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर आप दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक आप लोग हर सिटी से इंडिया की जो है लगभग मुझे लोग फोन करते हैं, तो वीडियो की डेफिनेटली पावर मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। और ये तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि यदि आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं और सही तरीके से यदि लोगों तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। तो ठीक है, ये जो है विकास जी के साथ में एक डिस्कशन हमारी थी कि एक वीडियो जो है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में किस लेवल तक इम्पैक्ट कर सकता है, और अगर आप विहान फिल्म प्रोडक्शन से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे मिल जाएगी।
और डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि यदि आप अपनी कंपनी के लिए कोई वीडियो शूट करवाना चाहते हैं, शॉर्ट फिल्म बनवाना चाहते हैं, ऑडियो मतलब फिल्म प्रोडक्शन से या क्रिएटिव चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपका डिमांड है वो डिमांड फुलफिल करने के लिए आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, यदि आपको लगा है कि ये वीडियो में कुछ काम की जानकारी हम देने में कामयाब हो पाए हैं, तो आप इस तरह के वीडियो जो है हम आगे और भी लाएंगे। और विकास जी से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मतलब अच्छा लगा होगा, काम की जानकारी मिल पाई होगी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं विकास जी के साथ में कुछ और वीडियोज़ ऐसे बनाऊँ तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है और आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए यदि आप वीडियो एडवर्टीजमेंट करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो छोटे से लेके इवन आप बड़ी जो कमर्शियल फिल्में होती है, मतलब आप हर तरह का वीडियो जो है वो बनाने में कैपेबल है और आप डेफिनेटली जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल भी टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।